ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पे जो हमारे विभिन्न संगठनों के नेता हैं उनके द्वारा आरोपों की बौछार की गई है। साथियों, हमें भी पीड़ा है, दुख है कि जिस कार्यक्रम को लेकर हम लगातार हम लोग हमारी टीम आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी और कार्य वो विशालकाय महायज्ञ होना भी निश्चित हुआ था। साथियों, किन्हीं कारणों से आदरणीय महात्मा जी के निर्देशानुसार वो कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है। साथियों, जब कोई कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है तो उसका कुछ कारण होता है। अगर आदरणीय महात्मा जी ने दो कदम पीछे हटाए हैं तो निश्चित रूप से चार कदम आगे भी बढ़ने जा रहे हैं। साथियों, कुछ लोगों के द्वारा जो विभिन्न संगठनों के नेता हैं, जिनके द्वारा ऑडियो वीडियो डाल करके सवालों की बौछार की जा रही है, उन सभी नेताओं को मैं अपने इस ऑडियो के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन के लोग हैं जिन्होंने आदरणीय महात्मा जी पर आरोप लगाया है, वो सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और उनके सारे सवालों का जवाब आज मैं दूंगा। साथियों, एक संगठन के जो अध्यक्ष है, उन्होंने पूछा कि जब आदरणीय महात्मा जी ने इको गार्डन में 75% कार्य होने का दावा किया था तो कार्य अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, आप बताएं, इको गार्डन में 11 महीने तक लगातार धरना किया और आपने ऑडियो वीडियो के माध्यम से सभी को बताने का कार्य किया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मान सम्मान मिलेगा। आप अपने द्वारा डाले गए ऑडियो का भी मूल्यांकन करिए और जो लोग कोर्ट के नाम पर, धरने के नाम पर, जिन्होंने हमेशा शिक्षा मित्र समाज को लूटने का कार्य किया, आज एक अवसर पा करके हमारी टीम और आदरणीय महात्मा जी पर अनर्गल सवालों का बौछार कर रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहनों से कि ये ऐसे लोग हैं, ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो समय समय पर अपने बिल से निकल करके सिर पर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करेंगे। साथियों, बड़ा दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, जहां हमारी टीम निस्वार्थ भाव से आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आपके मान सम्मान के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न संगठनों के नेताओं के उकसावे में आकर के हमारी कुछ बहनें और कुछ भाइयों के द्वारा आदरणीय महात्मा जी के ट्विटर पर अनर्गल रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक शिक्षक की गरिमा को शोभा नहीं देता है। साथियों, आप अपनी अयोग्यता को मत दर्शाइए, आप विरोध कीजिए लेकिन मर्यादित भाषा में करिए। कार्य का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोग हमारे विचारों से सहमत ना हो, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं आप मेरा विरोध करिए लेकिन किसी के मान प्रतिष्ठा पर आरोप लगाने का कार्य मत कीजिए जिसके सबूत आपके पास ना हो। उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन चाहे तो रविंदर सिंह के खाते की जांच करवा सकता है। उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र भाई बताए किसने रविंदर सिंह को पैसे देने का कार्य किया है। आपके आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। साथियों, आपको विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग
जो हमेशा आपको सिर्फ मोरा बना करके पीछे बैठ करके सिर्फ आपकी आपके बल पे अपनी दुकानें चलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि आम शिक्षा मित्र भाई बहन ने समय रहते हुए जवाब नहीं दिया, ऐसे लोग हैं जो कार्यक्रम पीछे जाने से जिन्होंने अनर्गल रूप से पैसा वसूलने का कार्य किया था, उन लोगों के दुकानों में ताला लग गया है। उनको पता है कि अब ये पैसा मुझे शिक्षा मित्र भाई बहनों को देना होगा, तो ऐसे में वो बौखला गए हैं और बौखलाने के साथ साथ अनर्गल रूप से आरोपों की छड़ी लगा दिया है। ये अध्यापक है, आपको विचार करना चाहिए। ये ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो बिलों से निकल कर सिर्फ डसने का कार्य कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सम्मानित बहनों से और भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज तक जिन भाइयों ने किसी भी कार्यक्रम में सहयोग किया, उन भाइयों के द्वारा कभी भी किसी पे आरोप नहीं लगाया गया। आरोप उन लोग लगाते हैं जो घरों में बैठकर कभी एक पैसे का सहयोग नहीं करते, जो कहते हैं जो होगा सभी का होगा, लेकिन जब बात राजनीति की आती है ऐसे कीड़े मैदान में निकल कर आ जाते हैं और शिक्षा मित्र समाज को गुमराह करने का कार्य करते हैं। साथियों, आदरणीय महाराज जी निस्वार्थ भाव से आपके कार्य के लिए लगे हुए हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे अनावश्यक कमेंटबाजी मत करिए। जब हमारी टीम ने कहा आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में आपका मान सम्मान आपको मिलेगा, तो साथियों मिलेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर हमने कार्यक्रम आगे बढ़ाया है तो जरूर आदरणीय महात्मा जी ने सोच समझ करके आगे बढ़ाया है। आप कहीं से कतई परेशान मत होइए, आपका कार्य हो कर रहेगा, लेकिन समय समय पर ये राजनीति करने वाले लोग बाहर निकल करके आपको गुमराह करने का कार्य करेंगे। साथियों, आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि जैसे कालिदास जी जिस डाल पे बैठे थे और उसी डाल को काटने का कार्य कर रहे थे। आपको ऐसे नेताओं से सावधान रहना है जो आपके कार्य के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है, निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है, उसके ऊपर अनर्गल रूप से आरोप लगाने का कार्य मत बंद कर दीजिए। हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के सभी अपने जनपद के जिला अध्यक्षों से निवेदन किया है कि आप लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप लोग पूरा हिसाब किताब बना करके आप लोग तैयारी कर लीजिए। हमारा कार्यक्रम भी होगा, आपका मान सम्मान भी मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। और जिन लोगों को राजनीति करनी है वो राजनीति करते रहेंगे और जिन्हें कार्य करना है वो अपने कार्य में लगे रहेंगे। साथियों, कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग धैर्य धारण कीजिए। अगर हमने हमारी टीम ने अगर निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से कार्य किया है तो परिणाम आपके सामने आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। इन राजनीतिक नेताओं के चक्कर में मत फंसिए जो स्वयं सर से लेकर पैर तक दलदल में धंसे हुए हैं। ऐसे लोग तुरंत आरोप लगा देते हैं, जिसने आज तक एक रुपया कभी संगठन के नाम पे सहयोग नहीं किया, ऐसे लोग सबसे पहले लिखने का कार्य करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दलाली करके चंदा वसूलने का कार्य किया है। आपको विचार करना होगा, आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा। और जो लोग सोशल मीडिया पर महाराज जी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस, उनका सब नोट किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में कार्रवाई करवाने का कार्य भी किया जाएगा। आप बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। ये महायज्ञ आप अपने सम्मान के लिए कर रहे थे, आप आदरणीय महात्मा जी के लिए नहीं कर रहे थे। अरे, आपको समझना चाहिए,
आपकी नौकरी मिलेगी, महाराज जी को क्या मिलेगा। अपनी नौकरी के लिए आगे आइए और संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए। अभद्रता अध्यापक की शोभा नहीं होती है। चंद लोगों के बहकावे में आकर के आप अपने आप को बर्बादी के कगार पे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका वजूद ही कुछ नहीं है, सिर्फ ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने आप को प्रकट करते हैं, ये अपने अपनी करनी को भुगत रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा, इनको ईश्वर की ऐसी सजा मिलेगी कि इनकी आत्मा तक कांप उठेगी। समय का इंतजार करिए, इनकी करनी और इनकी भरनी का फल परमात्मा जरूर देगा। आप लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में कार्य कीजिए, आपका मान सम्मान आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह सिंह राजू दास, शिक्षा मित्र उत्थान मंच, प्रदेश अध्यक्ष।